गोपालगंज जिले में फाइलेरिया उन्मूलन के लिए सर्वजन दवा सेवन कार्यक्रम का शुभारंभ सोमवार को समाहरणालय परिसर में डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने किया। इस मौके पर डीएम ने दवा खिलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। डीएम ने कहा कि फाइलेरिया एक लाइलाज बीमारी है, इससे बचाव के लिए प्रत्येक पात्र व्यक्ति को एमडीए दवा का सेवन करना जरूरी है। फाइलेरिया से बचाव नहीं, इसका उपचार है। जागरूकता और सावधानी से ही इस बीमारी से बचाव किया जा सकता है। इसके लिए एमडीए के दौरान दवा का सेवन जरूरी है। फाइलेरिया से बचाव के लिए एमडीए सार्थक सिद्ध होगा। घर के सभी सदस्यों को उनके उम्र के अनुसार गोलियां दी जाएंगी और सभी लोगों को अपने सामने ही दवा खिलाना होगा। उन्होंने बताया कि गर्भवती महिलाओं, 2 साल से कम उम्र के बच्चों और किसी गंभीर रोग होने वाले फाइलेरिया की दवा नहीं खिलानी है। 2 से 5 वर्ष तक के बच्चों को DEC1 और अल्बेंडाजोल की एक गोली देनी है। 5 से 15 वर्ष तक के बच्चों को DEC2 और अल्बेंडाजोल की एक गोली देनी है। वहीं 15 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को DEC3 व अल्बेंडाजोल की एक गोली देनी है। अल्बेंडाजोल की गोली हमेशा चबाकर खाएं और खाली पेट कभी भी न खाएं। इस मौके पर सिविल सर्जन डॉक्टर योगेंद्र महतो, ACMO DMO डॉक्टर हरिंद्र प्रसाद सिंह, DPM धीरज कुमार, केयर DTL मुकेश कुमार सिंह, GPO BL आनंद कश्यप, PCI RMC बच्चू आलम समेत अन्य मौजूद। एक चीज हम एक सजेशन दे रहा, अगर 3 गोलियां दे रहे हैं उसको एक स्पेशल डिस्कशन हो रहा है, तो दैट सीम्स वेरी जैसे कि हम हमको मार्केट कहाँ है, तीन गोली खाना सर लोगों का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है, तीन चार हो जा रहा है सर। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।